Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel. Welcome back to my YouTube channel, The Human Nature Kalko, and khoobsurat vlog mein aap sabhi logon ka teh dil se swagat hai dosto. Kitna bura lagta na dosto, जब हमें लगता है कि यार हमारे साथ ठग विद्या हो चुकी है, हमारे साथ घोटाला हो चुका है. मतलब दिल में ना एकदम से धक्का सा लगता है. जी हाँ दोस्तों, हम रोज़मर्रा की न्यूज़ में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं कि आज साइबर ठगी हो रखी है, आज ऑनलाइन ठगी हो रखी है, आज इस गाँव का ये बंदे के साथ ठगी हुई, कल उस गाँव के उस बंदे के साथ ठगी हुई. तो आखिर कब तक यार, कब तक हम अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का जो है भाई इस दुनिया में रहने का टैक्स देंगे क्या, वो भी उनको जो साइबर ठग है. तो ये लोग हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ ही देर के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ. तो पता था कि भाई ये ठग विद्या है और कुछ नहीं, तो मैं तो सचेत था. लेकिन मेरे जैसे कई ऐसे नवयुवक हैं, या कई ऐसे लोग हैं, या कई ऐसे सयाने लोग हैं जो इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं. अभी हालिया केस हुआ था मेरी मौसी के साथ, तो ऐसे ही उनसे कहा गया कि भाई एक कॉल आता है, वो कहते हैं कि भाई आपका लॉटरी का नंबर लगा है, फलाना फलाना बातें कहते हैं, फिर कहते हैं कि अपना आधार कार्ड दें, अपना फ़ोन नंबर दें, अपना बैंक का खाते का अकाउंट नंबर दें. तो उन लोगों ने जो है कि भाई किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया. मौसी थे, मौसा थे, तो मौसी ने जब मौसा से कहा ऐसे ऐसे कॉल आया है, ऐसे ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं, उन्होंने बता दिया. तो 70,000 से 75,000 रुपए की जो है कि भाई उनसे ऑनलाइन लूट हो चुकी थी साइबर ठगों के द्वारा. सो गाइस, सवाल ये नहीं है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए जिस तरीके से अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है ना, तो इसके फ़ायदे भी हैं बट उतने ही ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं. मैं एक ही चीज़ होगी गाइस, हमने सचेत रहना पड़ेगा. और मैं भी जो है कि भाई अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ जो मेरे साथ भी हुई लगभग 2 दिन पहले, 28 अप्रैल. 28 अप्रैल को व्हाट्सअप के द्वारा एक कॉल आता है, व्हाट्सअप कॉल कह सकते हैं. तो उसमें भाई पता नहीं क्या कह रहा था वो, ये है सो है, KBC से आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं. अभी आपको मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा वो चीज़. और एक रसीद टाइप की भी भेजी थी उसने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो मेरे को तो हंसी आई इसकी ये चीज़ें सुनकर, और मैंने तुरंत जो है कि फ़ोन काट दिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक सुनना भी गलत है यार. क्या पता वो कोई लिंक विंक भेज देता, और धोखे से अगर वो लिंक को भी मैं टच कर देता तो शायद कुछ गलत हो सकता था. तो गाइस आज का वीडियो मैं इसी पर्पस से बना रहा हूँ कि आप लोग सचेत रहें और इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा, और जो घर में आपके सयाने हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, ज़्यादा नॉलेज देनी पड़ती है इस चीज़ के बारे में कि ऑनलाइन ठगी क्या होती है और साइबर ठग क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, इस विषय के बारे में जो है कि हमें बताना पड़ेगा गाइस. तो अब ये व्लॉग तो ना कहते हुए मैं छोटी सी जानकारी कहूँगा जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ. तो पेश है, देख लीजिए यह ऑनलाइन ठगों की करतूत क्या होती है, ये किस तरीके से भले वाले इंसानों को ठगाते हैं. तो देख लीजिए आप. नमस्कार सर, सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से. सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़, जानकारी है. सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है. सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई पेश करते हैं. सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है. हमारी कंपनी की तरफ से 5,000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था.
जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है। बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। देखा दोस्तों आपने, चूतिया बनाने की मशीन। ऑनलाइन कैसे फ्रॉड कर रहे हैं ये भोले भाले लोगों से। दिक्कत है यार इन जैसे लोगों से, तो छे थो है साला इन लोगों में। तो देखा दोस्तों, आप भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए होंगे, मैं भी हो गया था। बट उतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये फ्रॉड कॉल है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए गाइज। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, बताइए अपने पड़ोसी को, बताइए अपने कज़न्स को, बताइए अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको बताइए कि इस तरीके से अगर कॉल आती हैं, फ्रॉड कॉल आती हैं, कोई लिंक आते हैं तो उसको आप से टच ना करें, तुरंत डिलीट कर दीजिए। ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल का ऑप्शन प्रेस ज़रूर करना। सो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।